For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आमिर कमाल है। मैं बतौर माहिर अमराज जाबदीस और जनरल फिजिशियन के तौर पे काम कर रहा हूँ। पिछले 14 साल से मैं लांडी मेडिकल कॉम्प्लेक्स, जो कि बल्दिया उज़्मा कराची का एक ज़ेली हस्पताल है और उस 200 बेडेड हॉस्पिटल है, उसमें मैं शोबा ज़ियाबतीस और एंडोक्राइन और मेडिसिन का इंचार्ज हूँ। मैंने अपना MBBS डाउ मेडिकल कॉलेज से 1995 में पास किया। उसके बाद मैंने 2002 में MCPS किया, कॉलेज ऑफ फैमिली मेडिसिन CPSP से। और उसके बाद मैंने 2007 में डिप्लोमा किया डायबिटीज़ में स्पेशलाइज कोर्स फ्रॉम बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी। और उसके बाद मैंने MRCGP UK पास किया। और अभी रिसेंटली मेरी जो आखिरी क्वालिफ़िकेशन है वो है कार्डिफ डिप्लोमा फ्रॉम UK, डिप्लोमा इन डायबिटीज़। तो पिछले 14 साल से मैं डायबिटीज़ और एंडोक्राइन और साथ में जनरल पेशेंट्स को देख रहा हूँ। मेरी एरिया जो स्पेशल इंटरेस्ट है उसमें मेरे ज़ियाबतीस के मरीज़, थायराइड के मरीज़ और दूसरे जो गदूद की बीमारी हैं उनके मरीज़ और जनरल पेशेंट्स मेरे मेन इंटरेस्ट एरिया में शामिल हैं। ज़ियाबतीस की अलामतों के लिए बारे में कहने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, एक जुमला इस पर कहना चाहता हूँ, ज़ियाबतीस एक खामोश कातिल है और इसमें जो है आम आदमी को सिम्टम्स जो आते हैं उसमें पेशाब का ज़्यादा आना, वज़न का कम होना, भूख का ज़्यादा लगना और थकावट का एहसास रहना, ये अलामतें हैं जो एक आम आदमी को ज़ियाबतीस की तरफ महसूस करा सकती हैं कि ज़ियाबतीस का शिकार होने वाला है। लेकिन अगर आपको फैमिली हिस्ट्री में अगर आपके डायबिटीज़ है, आपके कोई फर्स्ट रिलेटिव डायबिटिक है, या आपको थकावट का एहसास है, आपका वज़न कम हो रहा है, या आप फ्रेश महसूस नहीं कर रहे हैं और फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, तो लाजमी तौर पे अपने मौलिज से ज़रूर इस सिलसिले में रब्ता करें। क्योंकि याद रखें, ज़ियाबतीज़ के अमूमन अलामतें खामोश होती हैं। दमा बहुत एक हमारे यहाँ एक बहुत ही आम मर्ज़ है और लोग इसको बहुत ही ख़तरनाक मर्ज़ के तौर पर रहते हैं। मैं इसको बहुत जनरल बात में समझा दूँ, दमा कुछ भी नहीं है सिवाय एलर्जी के। आपको जब सांस की तकलीफ़ होती है, मुसलसल रहती है, तो डॉक्टर आपको दमा का मरीज़ तशखीस करता है। और ये अगर आप अपने एलर्जी को रोक लें, अपने उन चीज़ों को रोक लें जिनसे ये आपको ये अटैक आता है, तो वो आप वाज़े तौर पे बच सकते हैं और दमा का मुकम्मल इलाज मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ थोड़े ख्याल रखने की ज़रूरत है, एलर्जी से बचें और अपने आप को दमे से महफूज रखें। कॉजेज़ ऑफ एलर्जीज़ में जो वजूहात हैं एलर्जी की, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हमारे यहाँ की वो मौसम का चेंज होना। जैसे फ्लू का मौसम आता है, सर्दी का मौसम आता है, तो वो लोग जो कि हसास हैं उनको हम कहते हैं आप फ्लू वैक्सीन कर लें। और दूसरे गर्द गुबार, मिट्टी, धुआं, आपके घर में जानवरों का होना, परिंदों का होना, आपके घर में कारपेट का होना, बहुत सारी वजूहात हैं, एक लिस्ट है। लेकिन असल में जो पैगाम मैं आपको देना चाहता हूँ उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप एलर्जी से खुद बच सकते हैं और आप खुद तशखीस कर सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ आपको एलर्जी की तरफ लेके जा रही है और आपके अलामतों को बढ़ा रही है, चाहे वो सांस की तकलीफ़ हो, चाहे वो जिल्द पे ख़ारिश का कोई मर्ज़ हो। सबसे बुनियादी वजह स्टमक डिजीज़ की हमारा बाहर का खाना, ये जो हम बाहर की चीज़ें खाते हैं। और दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, तमाम अपने मरीज़ों को बोलता हूँ कि आप लोगों ने लाजमी उबला हुआ पानी पीना है। हमारे यहाँ आजकल मिनरल वाटर का एक रिवाज शामिल है, आपको खुद पता नहीं होता कि ये मिनरल वाटर जो है वो सही है या नहीं है, सिर्फ फिल्टर है, मिट्टी साफ़ हुआ हुआ है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि पानी ज़रूर उबाल के पिएं। पानी, गैर उबला पानी बहुत सारी बीमारियों का पेशखेमा है, ख़ासतौर पे मैदे की बीमारियां। बाहर का खाना दूसरा फैक्टर इम्पॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मैदे को हज़म करने के लिए और सही रखने के लिए वक्त पे सोना, वक्त पे उठना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेट खाना खाएंगे कभी हाजमा नहीं हो सकेगा और आपको हमेशा मैदे की तकलीफ़, जलन, तजाबियत, बदहज़मी का आप शिकार रहेंगे।
ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर की रीज़न ये भी एक, इस पर भी मैं वजाहत कर दूँ, ब्लड प्रेशर भी एक खामोश कातिल के ज़ुमरे में आता है। और आप जो हैं कन्फर्म बास मरीज़ को कोई अलामतें नहीं होती, लेकिन अगर वजूहात देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आज की हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ। हर वक्त हम लोग एक स्ट्रेसफुल लाइफ में गुजार रहे हैं, इसकी वजह से हम लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते जा रहे हैं। प्लस ये जो बाहर के खाने खा रहे हैं अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ा रहे हैं, प्लस इसके साथ जो शुगर का मर्ज़ शामिल है, तो शुगर के मरीज़ 90% लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप अपने आप को रिलैक्स रखें, अपने अच्छी ग़िज़ा खाएँ, साफ़ सुथरी ग़िज़ा खाएँ, बाहर के खानों से इज्तनाब करें। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, एक्सरसाइज़ करें। सबसे इम्पॉर्टेंट, पेट का निकलना और मोटापा ब्लड प्रेशर के एक बुनियादी मसलों में से शामिल है। तो अपने आप को फिट रखें और ब्लड प्रेशर से बचें। ग़िज़ा बहुत बड़ा एक सेगमेंट है, यहाँ एक छोटे लफ्ज़ों में मैं बता दूँ, साफ़ सुथरी ग़िज़ा और मुतवाजन ग़िज़ा। अब मेरा मरीज़ मुझसे सवाल पूछता है, मुतवाजन ग़िज़ा डॉक्टर साहब क्या है? मुतवाजन ग़िज़ा में शुमार है कि कोलेस्ट्रॉल ऑयल का इस्तेमाल कम से कम करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप खाने का इंतखाब करें तो कोशिश करें, अपने मौलिस से मशवरा करें कि मुझे कार्बोहाइड्रेट कितना खाना है, मुझे प्रोटीन कितना खाना है, मुझे फैट कितना खाना है। जो मेरे मरीज़ यहाँ से मेरी बात सुन रहे हैं, अगर वो लोग ये समझते हैं उनका वज़न ज़्यादा है तो फैट को रोकें और कार्बोहाइड्रेट को रोकें। हमारा तमाम मरीज़ आज, सारे मरीज़ों की, बल्कि मरीज़ों की एक आम आदमी का देखें, हर आदमी मोटापे की तरफ जा रहा है। और मोटापा बीमारी की जड़ है, उसकी बुनियादी वजह हम सबसे ज़्यादा यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का मतलब है निशास्ता खाते हैं। हर हालत में हम लोग रोटी खाते हैं, डबल रोटी खाते हैं, पापे खाते हैं, बिस्किट खाते हैं। तो सबसे बेहतर ये है कि आप अपना निशास्ता कम करें, प्रोटीन पर थोड़ा सा ज़्यादा हिस्सा शामिल रखें, और ऑयल और जो कोलेस्ट्रॉल चीज़ें हैं वो मोहतात तरीके से इस्तेमाल करें। बिल्कुल मरहम की वेबसाइट से मेरा अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है, इसकी तमाम तफसीलात मेरे मरहम के वेबसाइट या जो मेरा पोर्टल होगा उसमें मौजूद है। आप उस पर ये सारी चीज़ें मालूम कर सकते हैं, मेरे टाइमिंग्स को भी और मेरी स्पेशलिटीज़ को भी, और साथ में मेरे जो क्लिनिक्स डिफरेंट कैंपसेस हैं उस सब का डिटेल वहाँ पर मरहम के वेबसाइट पर मौजूद होगा जी।